ओके स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ रोज सो प्रीवियसली हमने ए एफ ए किंग की ऑब्जर्वेशंस किए हैं देन उसके हाइपोथेसिस को डिस्कस किया है देन डिडक्शन को डिस्कस किया है अब इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शंस रूनल्डोस अब ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया इन एटीन एटीज परफॉर्म्ड इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स अब रूनल्डोस ने एटीन ऐटीज़ में इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे ये चेक करने के लिए कि हाईपोसिस जो है वो क्रैक्ट है या इनक्रेक्ट है उसके लिए उसने रिडक्शंस को रिगोरस टेस्टिंग की उसके ऊपर स्ट्रिकली चेक किया अब इसके बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हैं लाइक like इसका जो एक्सपेरिमेंट वन है उसमें उसने ह्यूमन बींग्स को यूज़ किया था लाइक ही अलाउड अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट अब उसने ह्यूमन बींग्स को बाइट करवाने के लिए जो मॉस्किटो की स्पीशी यूज की थी वो क्या थी एनोफिलिस अब उसने एनोफिलिस मॉस्किटो को बाइट करवाया था मलेरियल पेशेंट से देन ही किल द मॉस्किटो सम डेज लेटर उसने मॉस्किटोज को किल किया एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन मॉस्किटो स्टमक देन उसने फाइंड आउट किया कि जो प्लाज्मोडियम है वो मॉस्किटो के स्टमक में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन जो इसका नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट था टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट अ हेल्दी पर्सन इट मीन्स कि अब जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो थी उसको हेल्दी पर्सन से बाइट करवाना था बट इफ हाई पोथसिस ट्रू द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया अब अगर ये हाईपोत्सिस ट्रू होता तो ये जो हेल्दी पर्सन सा उसको मलेरिया हो सकता था सो so, साइंटिस्ट ने क्या किया इस चीज़ को अवॉइड किया साइंटिस्ट अवॉइडेड क्योंकि रिज़ल्ट सीरियस हो सकते थे सो so, जो रोनाल्ड रोस है उसने दोबारा अपना एक्सपेरिमेंट रीडिज़ाइन किया था और ह्यूमन बींग्स की जगह उसने स्पैरोस को यूटिलाइज किया था सो so, स्टूडेंट्स इसका जो एक्सपेरिमेंट टू था जिसमें उसने क्या यूज़ किए हैं स्पैरोज यूज़ किए है रोज यूज, यूज स्पैरोज एंड रीडिज़ाइंड हिज एक्सपेरिमेंट्स अब उसने स्पैरोज़ को यूज़ किया और एक्सपेरिमेंट को क्या किया था रीडिजाइन किया था लाइक ही अलाउड अ फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो टू बाइट ऑन दी स्पैरो सफरिंग फ्रॉम दी मलेरिया अब उसने ह्यूमन बींग्स के लिए तो स्पीशी ली थी एनोफिलिस मॉस्किटो लेकिन अब उसने स्पैरोज़ के लिए जो स्पीशी ली है मॉस्किटो की वो है क्यूलिक्स सो so, उसने क्यूलिक्स मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो बाइट करे स्पैरोज़ को जो कि मलेरिया से इल थी सो सम ऑफ़ द मॉस्टोज वर किल्ड एंड स्टडीड एट वेरियस टाइम्स उसने कुछ मॉस्कीटोज को किल किया और उसको स्टडी किया दैन रोज फाउंड दैट प्लाजमोडियम मल्टीप्लाइड इन दॉल ऑफ मॉस्कीटो स्टमक एंड देन मूवड इन टू द मॉस्कीटोस लाइवरी ग्लैंड देन रोज़ को ये उसने फाइंड आउट किया कि जो प्लाजमोडियम है ये जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है क्यूलिक्स उसके अंदर उसकी वॉल जो है स्टमक की उसके अंदर प्लाज्मोडियम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं और देन वहाँ से कहाँ पे मूव कर रहे हैं मॉस्किटोज के स्लाइडी ग्लैंड्स में देन ही कैप्स अब मॉस्किटोज अलाइव एंड अलाउड देम तो टू बाइट द हेल्दी स्पैरोस देन उसने कुछ मॉस्किटोज को अलाइव रखा और देन उसने उनको क्या करना था अलाउ करना था कि वो हेल्दी जो स्पैरोज़ हैं उनको बाइट करें अब जो ये मॉस्किटोज हैं जो कि इल थे विद मलेरिया इट मीन्स के इन्फेक्टेड मॉस्किटोज थे उन्होंने हेल्दी स्पैरोज को बाइट किया सो रोज फाउंड दैट द स्लाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो कंटेन प्लाज्मोडिया दैन रोज ने ये फाइंड आउट किया कि जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो हैं उनके स्लाइवा के अंदर बहुत ज़्यादा प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है प्लाज्मोडिया प्रेजेंट है प्लाज्मोडिया प्लूरल फॉर्म है प्लाज्मोडियम की सो अब ये जो स्लाइवा है जब मॉस्किटो बाइट करेगा हेल्दी स्पैरो को तो इस लाइवा के थ्रू जो है ये प्लाज्मोडिया कहाँ पे एंटर हो रहे हैं स्पैरोज के ब्लड में जो हेल्दी स्पैरोज हैं उनके ब्लड में एंटर हो रहे हैं अब उसने जो प्रीवियसली हेल्दी स्पैरोज थी उनके ब्लड को एग्जामिन किया तो उनके अंदर क्या प्रेजेंट थे दे कंटेंट मैनी प्लाज्मोडिया इन इट उनकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडिया प्रेजेंट थे सो so, ये था एक्सपेरिमेंट टू रोनाल्डोस का स्पैरोज के ऊपर सो स्टूडेंट्स इन द ए एंड द हाईपोसिस वाज टेस्टेड बाय डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ह्यूमन बींग्स इट मीन्स के डोनाडो उसने फर्स्ट ह्यूमन बींग को यूज़ किया दैन उसने ह्यूमन बींग्स को क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया दैन उसने क्या यूज कं स्पेरोज यूज कें बट इन द एंड जो इटालियन बायोलॉजिस्ट है उसने डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन की थी ह्यूमन बींग्स में इन 1898, नाइनटी एट इटालियन बायोलॉजिट अलाउड एंड एनोफिलिज मॉस्कीटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट तो देन उसने क्या इटालियन बायोलॉजिस्ट ने किया एनोफिलिज मॉस्किटो को दोबारा बाइट करवाया था मलेरियल पेशेंट को देन मॉस्किटोज क्या थे वॉज कैप फॉर अ फ्यू डेज उसने फ्यू डेज के लिए रखा मॉस्किटोज को एंड देन इट वाज अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन देन उन्होंने क्या, क्या? किया अलाउ किया कि वो हेल्दी मैन को बाइट करें सो दिस पर्सन लेटर बिकेम इल विद मलेरिया इट मीन्स के जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो थी जब उसने हेल्दी मैन को बाइट किया तो देन जो हेल्दी मैन था उसको भी क्या हो गया था मलेरिया हो गया था सो इन दिस वे इट वॉज़ कन्फर्म डैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाजमोरियम एंड स्प्रेड मलेरिया सो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स है रूनाडोज के और इटालियन बायोलॉजिस्ट के उनसे ये कन्फर्म होता है कि जो मॉस्किटोज़ हैं वो प्लाजमोरियम ट्रांसमिट करते हैं और मलेरिया को क्या करते हैं स्प्रेड करते हैं ओके स्टूडेंट्स एट द एंड अगर हम इसकी समराइजेशन करें इन एक्सपेरिमेंट्स को रोज के तो वो क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल जो रोज का एक्सपेरिमेंट्स हैं या जो भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हुए हैं इटालियन बायोलॉजिस्ट के लाइक स्पैरो इल विद मलेरिया ये जो रोज का एक्सपेरिमेंट था उसने क्यूलिक्स मॉस्किटो ने कैरी किया प्लाज्मोडियम ये जो इल थी स्पैरो उससे कैरी किया क्यूलिक्स ने अब क्यूलिक्स ने जब हेल्दी स्पैरो को बाइट किया तो ये जो प्लाज्मोडियम था वो हेल्दी स्पैरो में ट्रांसमिट हो गया अब हेल्दी स्पैरो किससे किस में कन्वर्ट हो गई स्पैरो इल विद मलेरिया इट मीन्स जो हेल्दी स्पैरो थी अब वो क्या बन गई वो मलेरियल स्पैरो बन गई वो भी इन्फेक्ट हो गई मलेरिया से देन ये जो इटालियन बायोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें क्या है कि मैन इल विद मलेरिया अगर ये जो एक इन्फेक्टेड मैन है अगर उसको बाइट करेगी एनोफिलिज मॉस्किटो तो एनोफिलिज मॉस्किटो भी इन्फेक्ट हो जाएगी इसमें भी प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो जाएंगे देन जो एनोफिलिज मॉस्किटो है इनसे प्लाज्मोडियम जो है अगर वो हेल्दी मैन को बाइट करेगी तो हेल्दी मैन में प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो जाएंगे देन हेल्दी मैन जो है वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा इल विध मलेरिया हेल्दी मैन किस में कन्वर्ट हो जाएगा एव उसको भी इन्फेक्ट infect, इन्फेक्शन हो जाएगा मलेरिया का और वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा मलेरिया से सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेकेंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम विच वी हैव डिसकस्ड टूडे ओके स्टूडेंट्स इन टूडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड ऑल द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द मलेरिया